Audio Jungle. जो इशू है और इस इशू को हम बिहार का इशू बनाएंगे। आप इसको मैं आपको वचन देके जा रहा हूँ, इस इशू को हम देश का इशू बनाएंगे। कल के बाद तो लोकसभा बंद है, 26 को खुलेगा, लेकिन जिस दिन भी खुलेगा 26 से 27 को हम बक्सेंगे। सीएम के लोग गए थे इंडस्ट्रीज के लोग, एसआईटी का गठन किया हुआ है। क्या है एसआईटी, क्या है इसकी एसआईटी, क्या है इंक्वायरी वगैरह, इसकी एसआईटी क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे को तैसा। उमेश जसवाल वाले में क्या हुआ एसआईटी? एफआईआर होने के बावजूद, नेम्ड एफआईआर होने के बावजूद टेप है, धमकी दिया गया मार देंगे, उसके बाद क्या हुआ? स्टेप लेते हैं आप लोग, स्टेप नहीं लेते हैं। क्या हम लोग स्टेप नहीं लेते हैं? आप लोग क्या स्टेप नहीं लेते हैं? आप लोग ऐसे लोगों को तरजीह देते हैं? नहीं, हम लोग जो लोग ऐसा क्या गारंटी कि आप हमको तरजीह दीजिएगा? आप हमको सर, हम तो 20 सालों से इनका नाम लेकर के क्रिमिनल के साथ, अगर हम आ जाए आपके साथ आ जाए क्या हमको सुरक्षा मिलेगा? 20 सालों तक क्रिमिनल के खिलाफ नाम लेके हम बोलते हैं। अभी उमेश जसवाल को धमकी दिया, अखिलेश जसवाल को, पप्पू पांडे अभी, और सीएम हाउस में कहा गया कि इससे आप, हम लोग इसी तरह मारे जाएंगे। हम लोग सारा स्टेट चलाते हैं, हम लोग इसी तरह मारे जाएंगे। हम लोग का कोई कॉन्डोलेंस नहीं, कोई, सब आदमी हंसी मजाक कर रहा है सर, बिल्कुल हंसी मजाक कर रहा है। रूटीन वर्क में काम करता है ये लोग, रूटीन वर्क में काम करता है इन अपराध। आप लोग नेता लोग को आके बस कॉन्डोलेंस दे दिए सर। पप्पू यादव वो नहीं है सर, पप्पू यादव को नहीं मतलब है ऐसे चीजों से। हम लोग क्या करेंगे, हम डेली अपराध के लिए क्या करें? आप याद कीजिए ना, इतनी धमकी शेल्टर हाउस में पप्पू यादव को पड़ा, क्या बकस दिए सर? किस में बकस दिए हम आपको? धमकी नहीं, एक व्यापारी की धमकी जो सर को... किसको बकस, कौन से अपराधी जहां पर घटना किया जिसको हम बक्से हैं? कल इस इशू को लेकर के गवर्नर हाउस मार्च होगा, इससे बड़ा घटना हो क्या सकता है? 3 महीना पहले उनकी पत्नी के फोन पर लगातार धमकी गुजरात से मिल रही, उसके भाई पर 2 साल पहले गोली चलाया गया, और उसके बाद जब उनके भाई का हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? यह छोटी घटना नहीं है, इस घटना के खिलाफ यहां से लेकर के दिल्ली तक लड़ेंगे। पहले भी मैंने उमेश जसवाल के सवाल पर, आज तक उमेश जसवाल को जाकर के मुन्ना शुक्ला, अखिलेश और सतीश पांडे ये लोग जाकर के कंप्रोमाइज करने के लिए प्रेशर दे रहे हैं। लगातार गठबंधन और जात धर्म की राजनीति चलेगी, लेकिन इंसानियत को खत्म किया जाएगा। एक भी व्यापारी रहने को तैयार नहीं है बिहार में, और ये छोटी युद्ध नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अपराधी बगैर नेता के नेक्सस के अपराधी जिंदा नहीं रह सकता। ये बगल में थाना है, अभी तक नहीं आए, सना दिया गया, कहता है कि सना का पता नहीं है, पटना पुलिस को कोई पता नहीं है। एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है इस अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, और इस नेताओं के नेक्सस के खिलाफ। जब तक इस नेता के रावण के लंका को नहीं जला जाएगा, तब तक लोग जी नहीं पाएंगे। लोगों की जिंदगी नासूर बन चुकी है, और आम लोगों को युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी इस बिहार में। और इस नेता और सिस्टम के खिलाफ कल 11 बजे से 12 बजे से हम युद्ध की तैयारी शुरू करेंगे। लोकसभा में यह सवाल उठेगा और बिहार भी बंद होगा, और अपराधियों के खिलाफ एक अभियान भी चलेगा। एसआईटी जांच, कितनी हत्याएं हुई है व्यापारियों की, कौन से व्यापारी सुरक्षित हैं? मोतिहारी में 10, मुजफ्फरपुर में 9, पटना में लगातार
और धमकी दे करके 47 से बाहर देना। और 47 के बारे में पता है कि मुंगेर से कौन नेता कौन अपराधी ले रहा है, और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई 47 वाले नेताओं पर और इन अपराधियों पर, और वो 47 आम आदमी के लिए गरज रहा है। इसलिए इसके खिलाफ कल से अभियान शुरू, युद्ध शुरू, और इसके लिए जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। मैं अपील करता हूँ।